Assalamu alaikum students. I hope so all of you will be fine. This is our lecture number 3. In this lecture, we will discuss our second last topic, muscles, joints and movement, which is our fifth topic of our unit number 1, moving and growing. Open your book at page number 10. Muscles, joints and movement. हमारी पूरी बॉडी मूव किस चीज़ों के बिना पे करती हैं? मसल्स के, जॉइंट्स के और बोन्स के जरिए. बोन्स जो होती हैं हमारी, बेंड तो नहीं होती, तो फिर हम अपना आर्म, लेग्स, हैंड्स, फिंगर्स, टोस किस तरह से मूव करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे बोन्स के दरमियान जॉइंट्स हैं और उन जॉइंट्स क्या हेल्प करते हैं हमें मूव करने में. अब सिर्फ जॉइंट्स के जरिए तो हम हेल्प मूव नहीं कर सकते ना, हेल्प नहीं कर सकते हमें मूव करने के लिए. तो हमारे बोन्स पे क्या जॉइंट होते हैं? मसल्स. मसल्स हमें हेल्प कर रहे होते हैं हमारे मूवमेंट में, और ये मसल्स तकरीबन हमारे बॉडी का हाफ वेट ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं. ये मसल्स मूव किस तरह से करते हैं? जब हमारा ब्रेन, हमारे जो ब्रेन है वो जब सिग्नल देता है नर्व्स के जरिए और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, तो ये मसल्स मूव करते हैं. इन मसल्स को मूव करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? ताकि ये मूव कर सकें, हमें हेल्प कर सकें पुल में, या फिर रिसीविंग कोई चीज़ रिसीव करने में, कोई चीज़ उठाने में. तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? उनको एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी कैसे मिलेगी? जब हम फूड खाएंगे, ईट करेंगे, अपना ईटिंग करेंगे, जब हम फूड अच्छा अच्छा लेंगे तब हमें हेल्प करेंगी. मसल्स पुल और स्क्वीज. आपने मसल्स देखे होंगे, जो मीट होता है, जैसे फर्ज करें काऊ का जो मीट होता है आपने देखा होगा, वो किस कलर में होता है? रेड कलर में होता है, लीन होता है. तो ये रेड पार्ट कैसे, क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स के दरमियान वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, जो सर्कुलेशन कर रही थी ब्लड. ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है. और इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स रेड कलर के नज़र आते हैं. हमारे मसल्स को कोई भी वर्क करने के लिए बहुत सारा फूड और एनर्जी, या फिर एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए होती है. वो क्या चीज़ें, वो कैसे मिलती हैं उनको? जैसे मैंने आपको बताया, आर्टरीज और ब्लड वेसल्स की वजह से मिलती हैं. तो इस वजह से इनका कलर रेड रेड सा होता है, क्योंकि हमारे मसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बोन्स के ऊपर अटैच होते हैं, तो वो बोन्स को या फिर किसी चीज़ को पुश नहीं कर सकते. पुश नहीं करते तो क्या करते हैं? सिर्फ पुल कर सकते हैं. जब वो पुल करते हैं तो वो शॉर्ट हो जाते हैं और फैटर हो जाते हैं, मतलब थोड़े छोटे हो जाते हैं और थोड़े मोटे हो जाते हैं जब वो पुल कर रहे होते हैं. जब वो ये कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स. जैसे हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो है हम कोई चीज़ को पुल कर सकते हैं. जितने बड़े मसल्स होंगे उतना थोड़ा मुश्किल होगा पुल करना, जितने शॉर्ट मसल्स होंगे उतने आसानी से पुल. जैसे हमारे फिंगर्स हैं, हमारे फिंगर्स आराम से बहुत फास्ट मूव कर रही होती. क्यों? क्योंकि इसमें मसल्स शॉर्ट हैं थोड़े, बहुत लॉन्ग मसल्स नहीं है. हमारी लेग है, थाई है, थाई को हम उस स्पीड से मूव नहीं कर सकते जिस स्पीड से हम अपने फिंगर्स को मूव कर रहे होते हैं. तो क्या बात हुई है कि शॉर्ट मसल्स होंगे तो ज़्यादा अच्छी मूवमेंट होगी, ज़्यादा अच्छा पुल कर रहे होंगे. लॉन्गर मसल्स होंगे उसमें पावर ज़्यादा होगी, लेकिन वो मूविंग इतनी फास्ट नहीं होगी. जब एक मसल जो है दूसरे मसल, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे मसल उसी के अपोजिट काम कर रहे होते हैं, वो रिलैक्स कर रहे होते हैं. जैसे हमारे जो बाइसेप्स हैं, जब उनको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे ट्राइसेप्स जो होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं उस वक्त. जब हमारे ट्राइसेप्स रिलैक्स होते, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे बाइसेप्स रिलैक्स होते हैं. तो इस तरह से हमारे मूवमेंट होती रहती है. जब हम कोई चीज़ पुल करते हैं, उठाते हैं, तो हमारे ट्राइसेप जो है, बाइसेप जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो हमारे हैंड में मसल्स होते हैं. जैसे हम हाथ से उठा रहे हैं कोई चीज़ को, तो वो शॉर्ट हो जाते हैं और फैटर हो जाते हैं. फिर जब उस चीज़ को रिलीज़ कर देते हैं, रख देते हैं, तो हमारे जो ट्राइसेप्स होते हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं उस चीज़ को रखने में. फिर हमारे दोनों मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. जब हम सब कर रहे होते हैं तो हमारे जो फ्रंट के मसल्स होते हैं, हमारे आर्म के जो मसल्स होते हैं, सब पेयर्स में वर्क कर रहे होते हैं. किसी वक्त कोई थिन जो शॉर्टर हो रहा होता है, फैटर हो रहा है, कोई जो है लॉन्गर हो रहा होता है. तो उस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में वर्किंग कर रहे होते हैं, ताकि
हमारे मूवमेंट में हमें आसानी हो। जैसे आप ये हैंड देख सकते हैं, अभी इसने इस तरह से किया हुआ है तो ये अभी इनके बाइसेप्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं। जब अपने हैंड को सीधा कर देंगे तो क्या होगा, ट्राइसेप्स रिलैक्स, ट्राइसेप्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बाइसेप्स जो है रिलैक्स हो जाएंगे। अभी आप एक वीडियो देखेंगे जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का फंक्शन क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे हैंड में आर्म में टू टाइप्स के मसल्स होते हैं, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स। बाइसेप्स फ्रंट वाले हैं और ट्राइसेप्स बैक वाले हैं। किससे जॉइंट होते हैं ये, टेंडन से। टेंडन से जॉइंट हुए होते हैं, जॉइंट से। जब ब्रेन कोई मैसेज देता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बाइसेप्स जो है, जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो शॉर्ट हो जाते हैं और फैटर हो जाते हैं। इसी वक्त ट्राइसेप्स लॉन्ग हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं। जब ट्राइसेप्स थिक होते हैं, फैट होते हैं, शॉर्टर होते हैं, तो बाइसेप्स थिन हो जाते हैं और लॉन्गर हो जाते हैं। इस तरह से मूवमेंट होती है। टेंडन्स, टेंडन्स क्या होते हैं, जैसे आप वीडियो में देखा, टेंडन्स जॉइंट करते हैं मसल्स को बोन्स से, उन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स होती हैं एक तरह की। जब हमें अपने हैंड को मूव करना होता है तो क्या होता है, ये मसल्स और जॉइंट्स के बीच में ये एक रोप की तरह, कॉर्ड की तरह इस्तेमाल होते हैं। जब लॉन्ग टेंडन्स होती हैं, जब मसल्स पुल करते हैं तो टेंडन्स हमारे बोन को मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं, पुल करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और टेंडन्स किस तरह से, एक तरह से केबल की तरह, एक बाइसाइकिल के ब्रेक्स में की तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं टेंडन्स। ये हमारा टॉपिक आज एंड हो रहा है, इसके बाद हम अपना कॉपी वर्क करेंगे। क्वेश्चन आंसर इज रेडीमेड एक्सरसाइजेस टू बी डन इन दी क्लासरूम कॉपी। जिस तरह से आप पहले काम कर रहे थे, आप आगे काम फर्दर काम करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स है सबसे पहले हमारे पास। मेक श्योर कि आप जो भी राइट, जब भी काम कर रहे हो, वन फिंगर स्पेस दें और डेट लाजी मेंशन कीजिए। नंबर वन आते हैं, ऑल बोन्स जॉइन अप टू फॉर्म अ स्केल्टन। सारी बोन्स जॉइन होती हैं स्केल्टन में आने के लिए। ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे। इनवर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन्स। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, बैकबोन्स होती हैं नहीं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनमें बैकबोन नहीं होती, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, एफ लिख देंगे। हार्ट इज एन इनवॉलेंट्री मसल्स। हार्ट क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स, ट्रू है, क्योंकि हार्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो मुस्तकिल बीट कर रहा होता है। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हमारे हैंड के मसल्स हैं, उसको हम उसी वक्त इस्तेमाल करना चाहेंगे जिस वक्त हमारा ब्रेन उसको मैसेज देगा। हार्ट के लिए ऐसा नहीं है, तो ये क्या है स्टेटमेंट, ट्रू है। पावर ऑफ मसल्स कैन नॉट बी इंक्रीज बाय बैलेंस डाइट। पावर जो मसल्स की होती है वो बैलेंस डाइट से इंक्रीज नहीं की जा सकती, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसमें हम फॉल्स लिखेंगे। मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। मसल्स क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, करते हैं ऐसी बात है, अगर मसल्स नहीं होंगे तो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ भी लाजमी आपने वन फिंगर स्पेस देना है, डेट मैंशन करनी है, जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से आपने लिखना है। नंबर वन, लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। लिविंग थिंग टू टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, एक एनिमल्स होते हैं और एक प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स में ह्यूमंस भी शामिल होते हैं लिविंग थिंग्स। नंबर टू, हॉलो बोन्स आर फिल्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैरो। जो बोन्स होती है बीच में से हॉलो होती है, तो वो किस चीज़ से होती हैं फिल, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। आपने भी देखा होगा बकरे ईद पे जो बोन कट होती है उसके बीच में देखा होगा लिक्विड लिक्विड सा जली जली सा सब्सटेंस होता है, उसमें मैरो के होते हैं। नंबर थ्री, बोन्स आर वेरी हार्ड मटेरियल। बोन्स बहुत हार्ड मटेरियल होते हैं। यहाँ देखें मसल ऑप्शन है, मसल्स बोन्स और स्किन लिखा हुआ है, तो मसल्स तो हार्ड इतने नहीं होते, स्किन भी हार्ड नहीं होती, कट हो जाती है फौरन, चोट लग जाती है, ब्रेक हो जाती है, इंजरी हो जाती है। बोन्स जो है बहुत हार्ड होती है, बहुत बड़ी जब एक्सीडेंट या इंजरी हो जाए तभी ब्रेक होती है, वरना ब्रेक नहीं होती। नंबर फोर, एन अर्थ वॉर्म हैज नो बैकबोन। अर्थ वॉर्म में बैकबोन नहीं होती। नंबर फाइव, लंग्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। लंग्स भी हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, क्योंकि लंग्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे कि लंग्स वर्किंग नहीं करें तो हम डाई भी कर सकते हैं। सो थैंक यू बेटा, इस तरह से आप लोगों ने स्टूडेंट्स काम करना है। मेक श्योर कि वन फिंगर स्पेस लाजमी हो, डेट लाजमी मेंशन की गई है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।